हाय दोस्तों, वेलकम टू डी वर्ल्ड। दोस्तों आज मुझे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो मैंने सोचा ये बनता है कि आपके साथ शेयर किया जाए। और ये इन्फॉर्मेशन है कि जी टी कॉन्टिनेंटल 535 सीसी की जो बाइक थी उसे कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो बाइक अब डिसकंटिन्यू हो जाएगी और उसकी जगह लेंगी आने वाली नई जी टी कॉन्टिनेंटल 650 सीसी की। हाँ दोस्तों, तो 650 सीसी की जीटी कॉन्टिनेंटल जो अब आ रही है वो 535 सीसी जीटी कॉन्टिनेंटल की जगह लेंगी, क्योंकि ये दोनों बाइक के बीच में जो सेगमेंट डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा है। और एक कंपनी के लिए ऐसी दो बाइक बनाना जो एक दूसरे को काफ़ी हद तक कम्पीट करे ये फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं होता है, और इसीलिए शायद रॉयल एनफील्ड ने इसे डिसाइड किया है के डिसकंटिन्यू कर दिया जाए पुरानी बाइक को और उसकी जगह एक नई बाइक लेके आया जाए। तो जैसे कि आप सभी ने देखा, ये बाइक सबसे पहली कैफे रेसर थी रॉयल एनफील्ड की, 2013 नवंबर में आई थी और अब इसके जाने का समय आ गया है। और डीलर्स कोई नए ऑर्डर नहीं ले रहे, जिन डीलर्स के पास ये स्टॉक पड़ा है बस वही डीलर्स इस वक्त इस बाइक को बेच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एक छोटा सा रिकैप इस बाइक की जर्नी का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, और ये याद रखिए कि इन्फॉर्मेशन अब तक पूरी तरह ऑफिशियल नहीं है, बस एक लीक है जो हमें पता चली है। आई होप यू हैव अ गुड डे, एंजॉय लाइफ।